इस बार हम लोग बैग लगाए हैं, फिर ग्लोव लगाए हैं जो अथी का है, बांस का बना हुआ है, बेंत का बना हुआ है, ये हुआ गुलदस्ता, पेन स्टैंड है, ये सबसे छोटा और सबसे ज़्यादा बिकने वाला क्लिप है जो बालों में लगाते हैं, ये आपका हो गया पेट्रोमैक्स बल्ब के लिए, ये इसमें बल्ब भी लगता है। रांची के मुराबादी मैदान में 2 दिन का जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया गया है। तरह तरह की चीज़ें जो है यहाँ पे लगाए स्टॉल लगाए गए हैं, झारखंडी जिसमें आपको परंपरा दिखने को मिल जाएगी, झारखंडी कलाकृति दिखने को मिल जाएगी, उसी में से एक यहाँ पर आप देख रहे होंगे बाँस की बनी हुई चीज़ें जो हैं, कलाकृतियाँ जो हैं वो लगाई गई हैं। हमारे साथ क्या नाम हुआ दीदी आप? दीपाली बनर्जी। कब से कर रहे हैं ये बांस से बना? मेरा हो गया 15 साल से। कैसे बनाते हैं, कहाँ से ये सब बांस लाते हैं और कितनी महिलाएं जो हैं आपके साथ? मेरा पास 100 लेडीज़ है, 100 महिला है, 15 साल से काम कर रहे हैं। और जैसे ऐसे प्रोग्राम हुआ लगाते हैं, ऐसे मेरा बाहर भी सामान जाता है होलसेल में। बाहर कहाँ? बाहर जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, आपका चेन्नई हो गया, साउथ में चारों तरफ मल जाता है। आपको कहाँ से आइडिया मिला था शुरू में कि ऐसे बांस से ऐसी चीज़ें इतनी सुंदर सुंदर बन? ऐसे देखिए, हम पहला मेला गए थे, दूसरा आइटम था, उसके बाद देखे वैसे ही करते देखते सीखते। ये सब जो टोकरी आप देख रहे होंगे बहुत ही खूबसूरत टोकरी हैं, नाव भी बनाए हुए हैं बहुत सुंदर सुंदर, आप देख रहे होंगे घरों की सजावट वाली चीज़ें जो हैं वो बनाई गई हैं। ये सब शुरुआत कैसे करते हैं दीदी, मतलब बांस की क्या पहली प्रक्रिया होती है? बांस पहले बांस काटते हैं, उसके बाद छिलाई होता है, पतला पतला इससे स्टिक निकलता है, उसी से बिनाई होता है। वो ये समूह वर्क? समूह नहीं है, मेरा है, मेरा अंडर में ही काम होता है, मेरा खुद का है। कितनी महिलाएं मिलकर? 100 महिला है, सब अलग अलग गांव में है, जहाँ जहाँ ट्रेनिंग दिया सब सब जगह काम होता है। झारखंड के सभी? हाँ झारखंड में। यहाँ स्टॉल लगाने का मौका कैसे मिला? स्टॉल देखे कि लग रहा है तो थोड़ा इधर उधर। हमने बांस से बनी हुई चीज़ों का स्टॉल का जो भ्रमण कर रहे हैं हम, और देख रहे हैं कि यहाँ पर एक और स्टॉल जो एक नहीं कई ऐसे स्टॉल हैं जिसमें सिर्फ बांस से बनी हुई कलाकृतियाँ जो है लगाई गई है। दीदी क्या नाम? मेरा संगीता देवी। ये सब कैसे बनाते हैं, कहाँ से बांस लाते हैं, कहाँ से आइडिया मिलता है? ये सब हमारा गांव चान्हो ब्लॉक पड़ता है, वहाँ हमारा महिला लोग काम करते हैं। ये हमारा मतलब गांव से बाहर जंगल है, वहाँ से हम लोग बांस लेके आते हैं और वही ला के बनाते हैं। कैसे कटाई छटाई होती है, कैसे प्रोसेस? ये पहले बांस को फाड़ना पड़ता है, उसके बाद उसको छिलना पड़ता है पतला पतला कटिंग करके, उसके बाद फिर हम लोग को बिनना पड़ता है, बिन के उसके बाद कटिंग करके फिर उसको डिजाइन दे के कुछ टेप से चिपकाना, कुछ सिलाई करना पड़ता है। बहुत मेहनी वर्क है, कितनी महिलाएं लगभग इसमें? हम लोग का तो ऐसे तो हम लोग का पूरा 20 कॉलोनी है, 20 कॉलोनी का सारा कोई बूढ़ा बुजुर्ग महिला सब काम करते हैं, लेकिन ग्रुप में हम लोग जुड़े हुए हैं 20 और जेंट्स 20, यानी कि हम लोग 40 ग्रुप 40 जेंट्स और महिला मिलकर ग्रुप बनाए हैं। बिक्री होती है? बिक्री बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है। सिर्फ झारखंड या झारखंड रांची में तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, बाकी बाहर तो थोड़ा सा है, लेकिन ठीक ही है, सब तरफ अच्छा है, अच्छा बिक्री है। हम लोग क्या क्या इस बार आप? इस बार हम लोग बैग लगाए हैं, फिर ग्लोव लगाए हैं जो अथी का है, बांस का बना हुआ है, बेंत का बना हुआ है, ये हुआ गुलदस्ता, पेन स्टैंड है, ये सबसे छोटा और सबसे ज़्यादा बिकने वाला क्लिप है जो बालों में लगाते हैं, ये आपका हो गया पेट्रोमैक्स बल्ब के लिए, ये इसमें बल्ब भी लगता है। चूँकि ये सारी चीज़ें बांस से बनी हुई है, लेकिन इसमें अब आप देख रहे होंगे थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है, थोड़ी साज सजावट वाली चीज़ें जो हैं थोड़े कपड़े का इस्तेमाल कर लिया गया है, फूलों जो हैं जो आप देख रहे होंगे फूल वगैरह जो है वो कपड़े का लगाया गया है, और बहुत ही खूबसूरत है ये सब कुछ। ये बाल में लगाने वाली जो क्लिप है वो देखिए, लड़कियां बहुत इस्तेमाल करती हैं इस तरह के क्लिप, लेकिन प्लास्टिक वाले, ये बांस से बनाई हुई है, और आप देखेंगे बहुत ही महीनी बारीकी काम इसमें जो है की गई है। और भी तरह की चीज़ें हैं जो घर के दरवाजे पर हम लगाते हैं। The follow-up.in, like, share, and subscribe.
www.thefollowup.in.